यार क्या कर रहे हो चक्कर दो। अठारह जनवरी यानी आज चंडीगढ़ नगर निगम मेयर चुनाव होने थे। निगम रिटर्निंग ऑफिसर के तौर पर तैनात अनिल मसीह की तबीयत खराब होने के चलते चुनाव में ना हिस्सा लेने की बात कही गई। वहीं दूसरी ओर अन्य अधिकारियों द्वारा भी बीमारी को लेकर छुट्टी ली गई। जैसे ही कांग्रेस और आप पार्षद निगम में जाने लगे तो उन्हें पुलिस बल द्वारा बाहर ही रोक लिया गया, जिसके बाद निगम के बाहर ही कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी। थक के हार के दोनों पार्टी के नेतागण और पार्षद सीएम हाउस गए और उसके बाद हाईकोर्ट में दलील की गई। आपको बता दें, सुबह से ही निगम के बाहर 500 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया, ताकि भाजपा और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के समर्थकों के बीच में अनबन ना हो जाए। चंडीगढ़ से देखें अजीत झा की रिपोर्ट। आज मेयर चुनाव है और मेयर चुनाव के दिन जो निगम ऑफिसर है वो यहाँ पर अनिल मसीह वो यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं, जिसको लेकर आप देख सकते हैं कई काउंसिलर को जो है यहाँ पर रोका गया है यहाँ पर। और इस समय हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं सचिन गालब, जो कि कांग्रेस से काउंसिलर हैं। सचिन गालब, जिस तरीके से आप सभी काउंसिलर को आज मेयर चुनाव थे और आज जो निगम ऑफिसर है वो नहीं यहाँ पर पहुँचे हैं प्रेसिडेंट ऑफिसर, तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे, जो काउंसिलर हैं उन्हीं को बाहर रोक लिया गया? देखिए, सरेआम हमारे साथ धक्का हुआ है। सरेआम ये शहर के अंदर आज काला दिन है कि बीजेपी इलेक्शन नहीं होने दे रही। हम वोट डालने आए थे, हमें कहते कि आज इलेक्शन कैंसिल हो गया है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर की तबीयत ठीक नहीं है। आज ही सारी प्रिजाइडिंग ऑफिसर की तबीयत ठीक नहीं, बीजेपी पूरी पार्टी लाचार हो चुकी है, बीजेपी की तबीयत ठीक नहीं है। शायद आज चंडीगढ़ से उनकी हार की शुरुआत होनी थी बीजेपी की देश में, और वो शुरुआत यहाँ से होनी थी। बीजेपी इसे रोकना चाहती है और ये सरेआम गलत है। बीजेपी इसमें सफल नहीं होगी, हमें रोक अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, हमें भी रिप्रेजेंटेटिव को आगे नहीं जाने दिया जा रहा कि लोगों की आवाज़ को रोका जा रहा है, क्यों नहीं हमें आगे बढ़ने दे रहे? और ऐसा कैसे हो सकता है कि इलेक्शन को आप आगे यही नहीं पता कि दोपहर को होंगे, कल होंगे, परसों होंगे? अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर की तबीयत ठीक नहीं थी तो नए प्रिजाइडिंग ऑफिसर को अपॉइंट करना चाहिए था। सचिन, क्या कहना चाहेंगे, क्या बीजेपी डर चुकी है गठबंधन से, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन से? बिल्कुल डर चुकी है, उनको अपनी हार महसूस हो चुकी थी, क्योंकि ये हार चंडीगढ़ से पूरे देश में इंपैक्ट करती। आज पहला मैच कह सकते थे चंडीगढ़ से, और सरेआम गुंडागर्दी बीजेपी की सामने आई है। कोई ऐसा रूल नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिससे हम ये प्रूव कर सकते कि हम गलत हैं, हम सही हैं, हम वोट डालने आ रहे हैं। और आधे घंटे पहले आप मैसेज भेज रहे हैं और वो मैसेज भी हमें पुलिस ऑफिशियल्स बता रहे हैं कि आपके व्हाट्सएप एक मैसेज आया होगा। कहीं ना कहीं जो परसों हमने देखा पुलिस की मिलीभगत के साथ बीजेपी ने रूल किया, ये सरेआम गलत है। मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। दो दिन पहले जो यहाँ पर हंगामा हुआ था, आपके प्रत्याशी जो नामांकन वापस लेने आए थे, उसके बाद यहाँ पर बीजेपी के तमाम जो कार्यकर्ता काउंसलर्स यहाँ पर इकट्ठे हो गए थे, हंगामा का काफ़ी देखने को मिला था, आपके साथ भी धक्का मुक्की हुई थी, क्या कुछ? बिल्कुल जी, सरेआम धक्का मुक्की है लोगों के साथ, ये बहुत ही गलत है। और बीजेपी कहीं ना कहीं अपनी गुंडागर्दी दिखा रही है, बीजेपी कहीं ना कहीं अपना काला चेहरा लोगों के सामने पेश कर रही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और ये हो रहा है। क्योंकि इलेक्शन कंडक्ट ना करवाना सबसे बड़ी एक गलत काम है कि आप डेमोक्रेसी के अंदर आप इलेक्शन ही कंडक्ट होने दे रहे। इलेक्शन कंडक्ट होने चाहिए थे, इलेक्शन पार्ट है। अगर इलेक्शन नहीं कंडक्ट हो गए तो हम लोगों की सेवा कैसे कर सकते हैं? बीजेपी किसी भी तरीके से सरकार बनाना चाहती है और शायद ये इस काम में असफल होंगे, क्योंकि लोगों की आवाज़ है। देखिए, आप आसपास देखिए, पूरे देश की मीडिया, पूरा देश आज चंडीगढ़ को देख रहा है कि चंडीगढ़ में ऐसा क्या होगा, कि किसकी सरकार बनेगी। तस्वीरें देख सकते हैं, आज जो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की जो गठबंधन से जो है आपका मेयर बनना था और कांग्रेस का सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर बनना था। ऐसे में चुनाव से पहले ही जिस तरीके से निगम ऑफिसर जो अनिल मसीह है वो यहां पर नहीं पहुंचते हैं, और जो बड़ा आप देख सकते हैं यहां पर सभी काउंसलर जो है प्रदर्शन पर हैं, कुछ काउंसलर से भी यहां पर बात करना चाहेंगे। यहां पर कांग्रेस अध्यक्ष एच एस लक्की जी भी यहां पर मौजूद है। लक्की जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरीके से आज चुनाव से पहले ही यहाँ पर सभी काउंसलर को? मैं समझता हूँ कि पहले सेक्रेटरी बीमार पड़े, फिर अब प्रिसाइडिंग अफसर बीमार पड़े, ये भाजपा बीमार पड़ गई है चंडीगढ़ के अंदर। ऑपरेशन लोटस फेल हो गया, और इस करके पूरी कोशिश के बावजूद आज यहाँ पे इलेक्शन नहीं होने देने चाहते, डेमोक्रेसी का गला घोट रहे हैं, नहीं चाहते कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का यहाँ पे मेयरल जो इलेक्शन है उसके अंदर जीत हो, इसलिए जानबूझ के हमारे सारे काउंसलर्स आए हुए हैं, पासिस हमें इशू कर रखे हैं। ये देखो, ये आज सुबह पासिस इशू हुए हैं।
पुलिस ने रोक रखा, पुलिस से पूछो किस बेसिस पे हमें रोक रहे हैं। जी, कल जो हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी उसमें साफ तौर पे कहा गया था कि पासेस बनेंगे, बकायदा वीडियोग्राफी होगी। ये बने पासेस, पर जब भाजपा ही बीमार पड़ जाए तो फिर क्या कर सकते हो आप? जब ऑपरेशन लोटस फेल हो जाए तो फिर वो इन्हीं तरह के हथकंडे अपनाएंगे। आज उनको अपनी हार सामने नजर आ रही थी, मुंह पे नजर आती ना हार, वैसे हार नजर आ रही थी। इसलिए एक रैंडम सर्कुलेट हो रहा है मैसेज। कोई कह रहा जी फोर्टिस गए थे वहां उन्होंने नहीं पहुंचाया, फिर कहीं और चले गए, कहीं और चले गए बीमारी का बहाना करके। अब कोई कह रहा 16 में भर्ती हो गए, पता नहीं। मैं तो सुन, अब मुझे तो पता नहीं ये किसी भी लेवल पे गिर सकते हैं। इस देश को क्या नॉर्थ कोरिया बनाना चाहती है भाजपा कि चुनावी रद्द करा दिए जाए? ये बहुत खतरा है इस देश के लोकतंत्र को भाजपा से। और मैं आपको साफ तौर पे ये कहना चाहता हूँ कि अगर इंडिया गठबंधन एकजुट होकर ऐसे लड़ता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि भाजपा इतनी बीमार हो जाए कि भाजपा को लोकसभा 2024 के चुनावों से भी भागना पड़ जाए। आम आदमी पार्टी ये फैसला और कांग्रेस पार्टी, हम सब ने मिलकर ये फैसला लिया है कि हम हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, कोर्ट में जाकर इंसाफ की, न्याय की गुहार लगाएंगे और हर संभव प्रयास करेंगे कि मेयर का चुनाव हो जिसमें साफ तौर पे इंडिया गठबंधन जीत रहा है और भाजपा हार रही है। अभी तो आप सोचिए कि ये छोटा सा चुनाव है मेयर का और इसमें इंडिया गठबंधन ने भाजपा की नींद उड़ा दी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा का क्या हश इंडिया गठबंधन और भारत की 135 करोड़ आबादी करेगी, आप सोच सकते हैं। चलिए करना पड़ता देखिए, हम आज भी इलेक्शन प्रशासन से यही विनती करेंगे कि अगर एक प्रिसाइडिंग अफसर बीमार हुए हैं तो आप दूसरा प्रिसाइडिंग अफसर नियुक्त कर दो, जिस मर्जी को चाहे नियुक्त कर दो, लेकिन चुनाव आज स्केड्यूल थे, निर्धारित तारीख थी, आज चुनाव होना था। अगर आज चुनाव नहीं होता है और भाजपा पहले सेक्रेटरी इलेक्शंस को बीमार करती है, फिर प्रिसाइडिंग अफसर को बीमार करती है, फिर इलेक्शन रद्द करती है, ये साफ दिखाता है कि एक कायर बीजेपी इंडिया गठबंधन के हाथों अपनी हार को देखते हुए डर गई, बौखला गई और उस बच्चे जैसा बर्ताव कर रही है जो बच्चा गली क्रिकेट में आउट होने के बाद अपना बल्ला लेकर घर चले जाता है कि अब मैच नहीं होगा। देखिए, हम लोगों के पास आज इस इलेक्शन बिल्डिंग में जाने के लिए वैलिड पासेस थे, हम समय पर यहाँ पहुंचे, लेकिन ये बताया गया कि एंट्री बंद कर दी गई है। और एंट्री इसलिए बंद कर दी गई है क्योंकि प्रिसाइडिंग अफसर अचानक से बीमार पड़ गए हैं। बताया जा रहा है कि प्रिसाइडिंग अफसर भी बेचारे एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल जाने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन कोई अस्पताल उन्हें भर्ती नहीं कर रहा क्योंकि वो वास्तव में बीमार नहीं है। लेकिन ये हथकंडे हैं भाजपा के, ये दिखाता है कि भाजपा इस देश के लोकतंत्र को खत्म करने के लिए और निष्पक्ष चुनाव, फ्री एंड फेयर इलेक्शन को खत्म करने के लिए किसी भी हद तक जाएगी। मेरा आप सबके माध्यम से देश की जनता को भी निवेदन है कि पार्टियां आएंगी जाएंगी, सरकारें भी बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए भाजपा से छुटकारा पाना जरूरी है। अगर भाजपा बनी रही तो वो एक एक कर सारे चुनाव रद्द कर देगी और भारत को नॉर्थ कोरिया बना देगी। कोर्ट में जाके इस बात का अपने तरफ से उनके सामने रखेंगे। मैं इथो तक जाके देखना जी, अब एक बार देखना मैनू की कहंदे ने, अगर वो नहीं जानते हैं तो रुकांगा, पर ये तुसी बिल्कुल जानते हो, इन्हें भी एड्डी जबरदस्ती तानाशाही धक्काशाही कदे भी कि लोकतंत्र दे विच हुंदी नहीं वेखी। अज तक जिहड़ी असीं गल्लां कह रहे हैं बार बार कि सरकार गैर लोकतांत्रिक है, लोकतंत्र का इस्तेमाल करते हुए लोकतंत्र का गला घुट रही है, अजय सरकार ने वो करके दिखा देता। इतने भी पहला अफसर बदल दिता जिन्हें विड्रॉल फॉर्म बंटी का एक्सैप्ट किया बदल दिता, वो छुट्टी वो चलिया गया, वो जगह दूजे अफसर उ बिठा दिता, उन्हें इनू चिट्ठी लिखती कि तू फिर आके दस। ये कि कानून च ही नहीं, जोड़ा रूल है, रेलीवेंट रेगुलेशन ने इलेक्शन के वास्ते, वो गल ही नहीं है।
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆ ਕੇ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਵਿਡਰਾਅ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਲਿਆ। ਚਲੋ ਬੰਟੀ ਆ ਗਏ ਬੰਟੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਇਹ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕਿ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਆਫਿਸਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਕਾਊਂਸਲਰ, ਉਸੀ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਰਟ ਇਹਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਹੀ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਭੇਜਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਇਹ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 226 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੀ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਕੇਸ ਅਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉੱਪਰੋਂ ਹੀ ਮੋਨੀਟਰ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨ। ਪਰ ਇਹ BJP ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਗੇਨ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫਿਰ ਵਿਫਲ ਹੋਣਗੇ, ਫੇਲ ਹੋਣਗੇ, ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ ਹੋਣਗੇ, ਹੋਰ ਹਤਾਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਤਿਆਸ਼ੀ ਮੇਅਰ ਬੰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੰਟੀ ਜੀ ਕੀ ਕੁਛ ਕਹੋਗੇ ਜੀ, ਕੁਛ ਕਹੋਗੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੇਅਰ ਚੁਣਾਵ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਚੁਣਾਵ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਭੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਗਏ? ਇਹੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਲੇਟ ਆ, ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਸੀ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਪੱਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। BJP ਡਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗਠਬੰਧਨ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਕਿ ਆਪਸ ਹੁਣ ਜੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਆ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਹਜੇ ਕੁਛ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੁਛ? ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਬਣ ਸਕਦਾ, DC ਖੁਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ। ਕੀ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੇਅਰ ਜਨਾਬ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਨੰਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ, ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਚੋਣ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੱਕ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜੋ ਹੈ ਗਲਾ ਘੁੱਟਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਵੋਟ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਰੇ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, DC ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟਿਡ ਜਾਂ ਨੋਨ ਇਲੈਕਟਿਡ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਈਵਨ ਉਹ ਖੁਦ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਈਵਨ ਉਹ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਗਠਬੰਧਨ ਤੋਂ ਇਹ ਡਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਮਾਚੇ ਤੋਂ ਇਹ ਡਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਟ ਮਾਰਨੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਗਲਾ ਘੋੜਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਿਆ। ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਲੋਕ, ਇਹ ਵੋਟ ਦੀ ਚੋਟ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਆਫਿਸ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਦੀ ਜੋ ਰਣਨੀਤੀ ਉਹ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡਦੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟੀਆ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਿਸਟਮ ਡਿੱਗ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟੀਆ। ਜਿਹੜਾ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਹੰਗਾਮੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੁਛ ਕਹੋਗੇ? ਹੰਗਾਮਾ ਇਹ ਬੰਟੀ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਪਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਡੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਡੇ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਡੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅੱਜ ਮੇਅਰ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮਲਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੇਮਲਤਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਆਜ ਯਹਾਂ ਪਰ ਆਪ ਸਭੀ ਕੋ ਚੁਣਾਵ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਔਰ ਜੋ ਨਿਗਮ ਆਫਿਸਰ ਹੈ ਜੋ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਆ ਕੁਛ ਕਹੇਂਗੇ? ਐਸਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਕੀਆ। ਅਗਰ ਇਤਨੇ ਹੀ ਸੱਚੇ ਥੇ ਤੋ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਦੇਤੇ ਕਿ ਭਾਈ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੜੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਮੇ ਵੋਟ ਤੋ ਹਮੇ ਦੇਣੇ ਥੇ ਨਾ ਸਭੀ ਪਾਰਸਦ ਕੋ, ਹਮ ਸੱਚਾਈ ਕੇ ਰਸਤੇ ਪੇ ਚਲਤੇ ਹੈ, ਤੋ ਯੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੱਚਾਈ ਕੇ ਰਸਤੇ ਪੇ ਚਲਤੇ, ਕਿਉਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੀ ਬੋਲੀ ਵਾਲੀ ਜਨਤਾ ਕੇ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ? ਇਨਕੋ ਅੱਜ ਡਰ ਥਾ ਹਾਰਨੇ ਕਾ, ਹਾਰਨੇ ਕੇ ਡਰ ਸੇ ਕੇ ਮਾਰੇ ਇਨਹੋਨੇ ਆਜ ਇਨਕੀ ਰੀਡ ਕੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟਣੇ ਵਾਲੀ ਥੀ, ਚਾਹੇ ਜਿਸਨੇ ਅਭੀ ਤੱਕ ਓਪਨ ਮੇਂ ਵੋਟ ਗਿਰਵਾ ਲਿਓ, ਹਮਾਰਾ ਮੇਅਰ ਜੀਤੇਗਾ, ਯੇ ਮੇਰਾ ਦਾਵਾ ਹੈ।
ठीक है, इसलिए इनको सत्ता में से बाहर जाना बहुत मुश्किल हो चुका था, इसलिए इन्होंने जो है एक बहाना बनाया कि हमारा बीमार है जो नॉमिनेटेड काउंसलर है। अरे बीमार तो मैं भी हूँ, क्या मैं भी एक गद्दार होके बिस्तर में बैठ जाऊँ, चंडीगढ़ की जनता के साथ बोली बाली के साथ खिलवाड़ कर ले। डर था, डर के मारे इन्होंने एक नई नौटंकी रची है, और वो नौटंकी कब तक चलेगी, आज नहीं तो कल। कॉरपोरेशन में हमें पूरा राइट बनता जाने का, वोट डालने का, पब्लिक ने हमें चुन के भेजा है, कोई हम सट्टे में जीत के नहीं आए हैं कि लोगों ने सट्टा खेला और हम जीत गए। अमृता जी डर चुकी है बीजेपी आप? पक्का डर मेरे से नहीं, पूरी पार्टी से डर चुकी है, क्योंकि उन्हें ये पता है कि तुम्हारी हार पक्की है। आज हमने अपने सभी पार्षद को पूरा प्रॉपर भेजा था कि अच्छे से वोट करो और बीजेपी को हरा के आना है। तस्वीर देख सकते हैं यहाँ पर जो सभी काउंसलर, आप लोग जा कहाँ पे रहे हैं सर? वो तो हमें पता है कहाँ जा रहे हैं, तो देख सकते हैं। मैडम जो बंटी है कांग्रेस मेयर प्रत्याशी, वो सभी जो सारे मिलकर यहाँ पर किसे तो देख सकते हैं आप, कड़ी सुरक्षा में जो है मेयर प्रत्याशी जो कांग्रेस के बंटी थे जसबीर बंटी, उसको उनको लेकर जाया जा रहा है यहाँ पर, और साथ में कांग्रेस अध्यक्ष भी हैं एचएस लक्की जी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें।